सो गाइज, इस वीडियो में हम कुल 37 NYP प्लेयर्स के नाम जानने वाले जिनको फ्रेंचाइजीज ने एज अ नॉमिनेटेड NYP साइन किया है। सारी टीम्स के NYP प्लेयर्स जानने को मिल जाएंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दो टीम्स ऐसे जिन्होंने अपने NYP को साइन नहीं किया, लाइक गुजरात एंड पुनेरी पल्टन। उनके अलावा सारे बाकी टीम्स ने साइन कर लिया है। कौन से वो प्लेयर हैं, उनके पूरे डिटेल्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ऐसे ही कबड्डी अपडेट्स के लिए। सबसे पहली टीम पर हम आ जाते, सबसे पहली टीम यूपी योद्धास की है। तो यूपी योद्धास ने सबसे पहले NYP साइनिंग के नाम अनाउंस किए थे। तो यूपी योद्धास ने कुल 4 NYP को साइन किया है। सबसे पहले गंगाराम, सचिन, केशव कुमार और जयेश महाजन। सबसे पहले खिलाड़ी को साइन किया वो गंगाराम है। गंगाराम एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है राजस्थान, जिनको साइन किया गया है। दूसरे खिलाड़ी पे आ जाए, दूसरे खिलाड़ी यहाँ पे सचिन है। यहाँ दोस्तों सचिन को भी साइन किया गया है, ये भी एक डिफेंडर है राइट कवर के। तीसरे खिलाड़ी यहाँ पे केशव कुमार है, जो कि एक रेडर है, राइट ट्रेडर है, जिनको एज नॉमिनेटेड NYP साइन कर लिया गया है यूपी योद्धास ने। और चौथे प्लेयर भी यहाँ पे जयेश महाजन है। जयेश महाजन भी एक ऑलराउंडर रेडर है, ऑलराउंडर प्लेयर है, जिनको साइन कर लिया है यूपी योद्धास ने प्रो कबड्डी सीजन 11 के लिए। तो यहाँ पे 4 NYPs को साइन किया है यूपी ने। इस बार भी लास्ट सीजन भी 4 NYPs को साइन किया था, तो मैंने आपको बता दिया है चारों NYPs के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरी टीम पे। अब चलते हैं हमारी दूसरी टीम बंगाल वॉरियर्स पे। तो बंगाल वॉरियर्स ने भी कुल 4 प्लेयर्स को साइन किया है। यश मलिक, मंजी, दीपक कुमार और सुशील कमरेकर, इन 4 प्लेयर्स को साइन कर लिया है बंगाल वॉरियर्स ने PKL सीजन 11 के लिए। सबसे पहला खिलाड़ी यश मलिक साइन हुए, जो हरियाणा के लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर है। दूसरे प्लेयर जो कि साइन हुए हैं वो यहाँ पे महाराष्ट्र के लेफ्ट कवर के डिफेंडर मंजी चौधरी है, इनको भी साइन कर लिया गया है। तीसरे प्लेयर यहाँ पे कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम सुशील कमरेकर है और वो एक राइट ट्रेडर है, उनको साइन कर लिया है यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स ने। क्रेडर को साइन किया है और साथ ही में एक राइट कवर के डिफेंडर को भी साइन कर लिया है यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स के टीम ने। तो यहाँ पे कुल 4 प्लेयर्स को बंगाल वॉरियर्स ने प्रीकेल सीजन 11 के लिए साइन किया है। लास्ट सीजन भी कुल 4 NYP प्लेयर्स को साइन किया था, इस बार भी 4 NYP प्लेयर्स को साइन कर लिया है बंगाल वॉरियर्स ने। अब चलते हैं यहाँ पे तीसरी टीम पे। अब चलते तीसरी टीम दबंग दिल्ली। तो दबंग दिल्ली ने कुल 2 NYP को साइन किया। सबसे पहले खिलाड़ी संदीप है और दूसरे प्लेयर यहाँ पे मोहित देसवाल है। संदीप देसवाल और मोहित देसवाल को साइन किया है। सबसे पहले खिलाड़ी यहाँ पे साइन मोहित देसवाल है, जो कि एक नॉमिनेटेड NYP एक राइट रेडर को साइन किया है। और दूसरे खिलाड़ी जो कि मोहित देसवाल है वो लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। तो एक रेडर और एक डिफेंडर को दबंग दिल्ली की टीम ने साइन कर लिया है प्रो कबड्डी सीजन 11 के लिए। अब चलते हैं यहाँ पे अगली टीम के लिए। अगली टीम यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की है। तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने भी अपने NYP प्लेयर्स के नाम अनाउंस कर दिए। तो कुल यहाँ पे 4 प्लेयर्स को साइन किया है, नितिन कुमार, ऋतिक शर्मा, सोमवीर और रौनक सिंह। सबसे पहले खिलाड़ी जिनको साइन किया है यहाँ पे, सबसे पहले जयपुर ने यहाँ पे एक राइट कवर के डिफेंडर को साइन किया, जो कि नितिन कुमार है। इनकी साइनिंग हो चुकी है PKL सीजन 11 के लिए। और दूसरे खिलाड़ी पे आ जाए तो दूसरे खिलाड़ी यहाँ पे रौनक सिंह है। रौनक सिंह एज अ राइट कवर, राइट कॉर्नर डिफेंडर साइन कर लिया है यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स ने। अगले खिलाड़ी यहाँ पे सोमवीर मेहरा है, जो कि एक राइट ट्रेडर है, इनको भी साइन कर लिया है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। चौथे प्लेयर यहाँ पे आ जाए तो चौथे प्लेयर यहाँ पे ऋतिक शर्मा है, जो कि एक लेफ्ट ट्रेडर है और इनको भी यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने PKL सीजन 11 के लिए साइन कर लिया है। और ये चौथे प्लेयर रौनक सिंह है। दूसरे प्लेयर यहाँ पे ऋतिक शर्मा थे, जिनके बारे में मैंने बात किया। चौथे प्लेयर रौनक सिंह है, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है, और ऋतिक शर्मा एक रेडर है, जिनको यहाँ पे साइन कर लिया गया है और जयपुर के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। 4 NYP साइन किया है। लास्ट सीजन सिर्फ 2 NYP को साइन किया था, इस बार जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने कुल 4 NYP प्लेयर्स को साइन किया है। अब चलते हैं यहाँ पे अगली टीम के बारे में। तो अगली टीम आप यहाँ पे देख सकते हो हरियाणा स्टीलर्स की है। तो यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स ने कुल 3 NYPs को साइन किया है। आई गेस 4 प्लेयर्स है, साहिल, ज्ञाना, अभिषेक, विकास यादव और मणिकंदन। सबसे पहले खिलाड़ी जिनको साइन किया है यहाँ पे, सबसे पहले प्लेयर विकास यादव है, जो कि रेडर है, राइट रेडर, उनको साइन कर लिया है। दूसरे प्लेयर यहाँ पे साहिल है, साहिल नरवाल, जो कि एक ऑलराउंडर है, उनको यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स ने एज ए नॉमिनेटेड NYP साइन किया है। अगले खिलाड़ी यहाँ पे ज्ञाना अभिषेक है, उनकी भी साइनिंग हुई है। और यहाँ पे अगले खिलाड़ी एन मणिकंदन है, जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर है। तो 4 NYPs को हरियाणा स्टीलर्स ने साइन कर लिया है PKL 11 के लिए। अब चलते हैं यहाँ पे अगली टीम पे। अगली टीम यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की है, जिन्होंने 4 NYPs को साइन किया है, पंकज, मंजीत, चंद्रनिकम और लकी कुमार को। सबसे पहले
एक खिलाड़ी मंजीत है जो कि अभी यूपी के खेल क्या है अवध रामदूत से उनको साइन किया गया है जो कि एक राइट रेडर है। दूसरे खिलाड़ी जिनका साइनिंग हुआ है वो यहाँ पे राइट कवर के डिफेंडर लकी धनकर है जो कि यूपी के में ब्रिज स्टार्स की टीम में थे। और तीसरे खिलाड़ी भी यूपी के नहीं है, ये खिलाड़ी कर्नाटका से बिलोंग करते आई गेस और इनका नाम चंद्रनायक एक ऑलराउंडर है तो इनकी भी साइनिंग हो चुकी है। चौथे खिलाड़ी यहाँ पे हो चुके बुल्स के एक और खिलाड़ी पंकज जो कि रेडर है वो भी ब्रिज स्टार्स के लिए यूपी के खेले थे, उनकी भी साइनिंग हुई है। यहाँ पे चार में से तीन प्लेयर्स उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग खेल के आए हैं तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया होगा यूपी के इतने बड़े टूर्नामेंट से। कोच साहब ने तीन प्लेयर्स को सेलेक्ट किया है तो और एक खिलाड़ी यहाँ पे लोकल नहीं है, कर्नाटका से ही कह सकते लोकल बॉय है, उनका साइनिंग हुआ है। अगली टीम यहाँ पे पटना पायरेट्स की जिन्होंने चार NYPs को साइन किया है, आयान, दीपक, साहिल पटेल और नवदीप। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे दीपक जागलान का जो अंकित जागलान के ब्रदर है, इनका भी साइनिंग हुआ है, राइट ट्रेडर है। दूसरे खिलाड़ी यहाँ पे जिनका साइनिंग हुआ है वो आयान लोछाब है जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है। उसके बाद अगला साइनिंग साहिल पाटिल का हुआ है जो कि यहाँ पे राइट ट्रेडर महाराष्ट्र से है। और चौथे प्लेयर यहाँ पे राइट कॉर्नर डिफेंडर नवदीप है जिनको यहाँ पे साइन कर लिया है यहाँ पे पटना पायलट्स की टीम ने PKL सीजन 11 के लिए। तो ये थे यहाँ पे पटना पायलट्स के NYP प्लेयर्स के साइनिंग। अब चलते अगली टीम तमिल थलाईवास पे। तमिल थलाईवास ने तीन प्लेयर्स को साइन किया है, रामकुमार मयंडी, धीरज बेलमारे और अनुज गावड़े को। सबसे पहले खिलाड़ी रामकुमार मयंडी है जो कि राइट ट्रेडर है, इनको यहाँ पे साइन कर लिया है यहाँ पे तमिल थलाईवास ने PKL सीजन 11 के लिए। दूसरे खिलाड़ी जो साइन हुए वो यहाँ पे धीरज बेलमारे हैं जो कि एक राइट रेडर है महाराष्ट्र से, इनको साइन किया है। और अगले खिलाड़ी यहाँ पे लेफ्ट कवर के डिफेंडर अनुज गावड़े हैं जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो ये तमिल थलाईवास के फाइनल NYP साइन प्लेयर है। तो यहाँ पे तीन प्लेयर्स को साइन किया है तमिल थलाईवास ने, जहाँ पे दो खिलाड़ी महाराष्ट्र से और एक खिलाड़ी तमिलनाडु से है, तो ये यहाँ पे तमिल थलाईवास के साइन NYP प्लेयर्स। अगली टीम यहाँ पे यू मुंबा ने भी यहाँ पे कुल चार प्लेयर्स को साइन किया, अजीत चौहान, दीपक कुंडू, लोकेश घोसलिया और सनी को। सबसे पहले खिलाड़ी अजीत चौहान है, इनको साइन कर लिया गया जो कि एक राइट ट्रेडर है, इनकी साइनिंग हुई है। और यहाँ पे अगले खिलाड़ी के बारे में बात करें तो अगले खिलाड़ी आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि सनी है जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है, इनको साइन कर लिया गया है। अगले खिलाड़ी यहाँ पे लोकेश घोसलिया है जो कि आई थिंक यंग यूथ कबड्डी लोकेश घोसलिया जिनको साइन किया, जो कि टॉप डिफेंडर थे युवा कबड्डी सीरीज के समर एडिशन 2023 के राजस्थान के जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट है। और अगला और आखिरी साइनिंग हुआ है एक डिफेंडर का जिनका नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, दीपक कुंडू है जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है, तो ये यहाँ पे चौथे नॉमिनेटेड NYP है जिनको युवा ने PKL 11 के लिए साइन किया है। अगली टीम यहाँ पे तेलुगु टाइटन्स की, जिन्होंने चार प्लेयर्स को साइन किया, रोहित राठी, सागर, नितिन और चेतन साहू। सबसे पहला खिलाड़ी जो कि साइन हुआ है जो कि रोहित राठी है जो कि एक लेफ्ट रेडर है आई गेस और एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, मैंने पता किया है इनके बारे में और एक बहुत ही अच्छे यहाँ पे लेफ्ट रेडर है। अगला नाम यहाँ पे सागर रावल का है जो कि एक राइट कवर के डिफेंडर, एक NYP है जिनको तेलुगु टाइटन्स ने साइन किया है। तीसरा नॉमिनेटेड NYP नितिन रावल है, ये भी एक लेफ्ट रेडर है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेराइटी कोच साहब ला रहे थे, वो दबंग दिल्ली में करते थे। और आखिरी NYP यहाँ पे चेतन साहू है, चेतन साहू भी एक राइट रेडर है। तो यहाँ पे तीन रेडर और एक डिफेंडर आपको NYP साइनिंग्स में नजर आ रहा है तेलुगु टाइटन्स का। तो ये था यहाँ पे तेलुगु टाइटन्स के साइन NYP। इसी के साथ मैंने सारे टीम्स के NYP साइन प्लेयर्स के बारे में बता दिया है। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर सकते हो, आप किस NYP को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको अभी बता दूँ, दो टीम्स ने अपने NYP के नाम अनाउंस नहीं किए और मतलब एक तरीके से साइन नहीं किया, ठीक है, ना पुणे ने किया ना गुजरात ने किया, ये दोनों टीम बिना NYP के खेलेगी PKL 11, ऐसा अपडेट आया है। तो मैंने आपको सारे नॉमिनेटेड NYP बता दिया बचे हुए टीम्स का, तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हो, जो प्लेयर्स के नाम मैंने आपको बताए हैं और स्टेट भी मैंने बताया है और क्या पोजीशन पे खेलते वो भी आप देख सकते हो। दिस वॉज ऑल अबाउट NYP वीडियो। अगला वीडियो जो होगा वो अनसोल्ड प्लेयर्स पे होने वाला, PKL 11 के वो बड़े प्लेयर जो कि अनसोल्ड हो सकते हैं PKL 11 के ऑक्शन में, उन पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हर कबड्डी का अपडेट सबसे पहले वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।